शिवसेना प्रमुख व युवा नेता श्री आदित्य ठाकरे की जन आशीर्वाद यात्रा मुमरा में। आज का महानगर में आपका स्वागत है। दिनांक 18 सितंबर बुधवार को युवा नेता श्री आदित्य ठाकरे की जन आशीर्वाद यात्रा मुमरा परिसर के शीर फाटा से होते हुए रेती बंदर से आगे बढ़ी। श्री आदित्य ठाकरे का स्वागत ढेरों फूलों और मालाओं से किया गया। इनका काफिला मुमरा स्टेशन परिसर के पास एक सरकारी दवाखाने का उद्घाटन करते हुए आगे बढ़ा। ये दवाखाना कई महीनों से बंद कर रुका हुआ था, जिसे श्री आदित्य ठाकरे जी के हाथों से शुभारंभ किया गया। इस दवाखाने की फीस केवल 1 रुपया है। इस दवाखाने में छोटी से लेकर बड़ी बीमारी तक, यहाँ तक के ऑपरेशन भी केवल 1 रुपये में किया जाएगा, क्योंकि बाड़ा साहेब ठाकरे फंड के द्वार मरीजों के लिए खुले हैं। सेना प्रमुख की बात करें तो ये हर जगह पूरे महाराष्ट्र में जाकर जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि ये युवा है और बड़ों के आशीर्वाद का ये महत्व समझते हैं, ताकि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में शिवसेना पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आए। इसलिए युवा नेता जहां तक जा सकते हैं जा रहे हैं और अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हालाँकि उनका मुमरा आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने मुमरा आना तय किया और कम समय में भी वो मुमरा आकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और मुमरा वासियों से मिल कर गए। मुमरा की जनता उनकी आभारी है, क्योंकि उनके आने से मुमरा वासियों का और उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और उन्होंने वादा किया है कि आने वाले इलेक्शन की सभाओं में वो ज़रूर मुमरा आएंगे। श्री सुधीर भगत जी, श्री नासिर शेख, विभाग संगठक पैनल 26 व उनके कार्यकर्ताओं ने इस काफिले को अच्छा सहयोग दिया। तो ये थी शिवसेना प्रमुख और युवा नेता की यात्रा का पूरा विवरण। ऐसे ही खबरों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।